अल्लाह ने रहमत के असने घर बकरियां भी ते कुकर भी इक्कै बारी उन्हें बचे दिते। तो हुण चलने आ जुम्मा पाने वास्ते, तो उस तो बाद गपशप होनी है क्योंकि ले ले तकने पेसो इतने ही बकरियां जरा ले दिते। एक मुर्गी इस साइड है, एक उस साइड पर है। फिर से पौने करने आ के गर्म हो गया काफी। इस 9 बजे कडे, एक साइड 6 कडे, बाकी पकौड़े तो तकने से रेडी हो गए। बाकी हुण देखे मंगवीसा तकनी भी है क्या किधर है। हाँ जी व्यूअर्स, फाइनली फ्रूट वगैरह कट छुड़ा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करने सो सारे दोस्त हैं अपना ठीक हो सो तो खुशबाज सो। अल्लाह ने फजल करम नाल शुरू करने हैं अज ना फिलहाल, तो तुम तक ने पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल कश्मीर पैराडाइज ब्यूटी। तो अज जुम्मे का दिन है, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूं। व्लॉग शूट करने की वजह यह है कि नमाज वगैरह पढ़ी है तो लेटे असं के परिंदे की आवाज़ आ रही थी सुबह सुबह, तो मैं कि क्यों ना कि तुसा कि भी सुबह सुबह ना मंजर झक रहा। तो अज व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट करने हैं, तो सुबह तुम परिंदे की आवाज़ भी झक आने। तो दूसरे नंबर रात नहीं बारिश लगी है, तो मौसम बड़ा खूबसूरत सी, तो सुबह आए सूरज ना कोई ना निशान ही नहीं। ठीक है, तो मैं कि चलो सुबह ना तुम खूबसूरत जहा व्यू झक आने, नाले जरा ना इर्द गिर्द असने घर ने नज़दीक कन्ने दरख्त वगैरह न, इस जगह इतने परिंदे वगैरह सुबह बहुत सारी आवाज़ा आनी हैं, तो परिंदे की आवाज़ा भी सूचा कराने। तो बाकी माशाल्लाह अगर तकने भी उसो आसमान पर चढ़ पे। ठीक है, बारिश हल्की हल्की हले भी लगी है, तकने सो के छत किस तरह गिला है, हल्की हल्की बारिश लगी है रात नहीं। तो बाकी इस साइड पर अगर तकने सो पहाड़ी पर धुंध वगैरह भी पई है। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम सी के रेस्ट करा सह जा, लेकिन फिर सोचा क्यों ना कि पहले व्लॉग शूट करने हैं तो फिर रेस्ट कर सा, उस तो बाद फिर सुबह जल्द जाग सा, बाकी सिंह से बाद चकर आगे अगर परिंदे की आवाज़ आनी होवे। सही हाँ जी व्यूअर्स, कुछ परिंदे बारे तुम आवाज़ा सुनिया हो सन, तो बाकी उस अलावा इतनी ज़्यादा आवाज़ा नहीं होना आनियाँ पी क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है, फिर मुड़ गया दोबारा बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी कड़ियाँ शुरू हो गई हैं। तो इस वजह तो वैसे भी ओवरऑल इसलिए किज परिंदे बारिश की वजह तो अपने अपने घोंसलों में, तो किज परिंदे जो है ना अपने दाना पानी वास्ते सुबह सुबह निकल जाने। तुम्हें पता कि अक्सर सुबह लोड़ नहीं है जल्द, तो परिंदे अपने अपने घोंसलों चो इजरत कर एक जगह तो दूसरी जगह जाने अपने दाने पानी वास्ते। ठीक है, तो जिस तरह बंदा आम रूटीन में कोई बंदा अपनी दयाल लाने वास्ते या कम काज वास्ते जाना, इस तरह वो भी अपनी रोजी रोटी वास्ते सुबह सुबह निकल जाने चीज़ें बने चरिंद परिंद जितने भी होने। तो बाकी इंशाल्लाह तुसां गी किसे बारिश ना हुई तो फिर तुसां गी इन्ना चरिंद परिंद मुकम्मल विजिट कर सकां, क्योंकि असां इस जंगलों में मुख्तलिफ किस्म दियां चिड़ियां इत्थे आउणियां। ठीक है, क्योंकि ठंडी जगह आनी है इस इत्थे आउणियां गर्मियों में। तो बाकी हुण बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो इर्द गिर्द ना मौसम भी तकिया उसी तकने सो झड़ पै गया। तो बाकी इस सर पर धुंध वगैरह सी अगे हूँ थोड़ी घट हो गई है, तो बाकी हूँ चलने नीचे रेस्ट करने हैं, बारिश वगैरह भी घड़ियाँ आ गई, तो फिर जल्द अख खुल सी तो उस तो बाद अगला नैक्सट तुम सीन दसागे क्या होना। हाँ जी व्यूअर्स, रेस्ट वगैरह की है तो तकरीबन 24 घंटे बाद अख खुली है इसलिए। ठीक है, तो हूँ जुम्मे की तैयारी करने हैं क्योंकि जुम्मे टाइम होना पाया, तो जुम्मा पढ़ने वास्ते बारिश वगैरह रुक गई है, तो तकने पे उसको कि बारिश वगैरह सुबह ही लगी रही है रुक गई है। तो बाकी मौसम तकने उस के ज़बरदस्त झाड़ वगैरह पे है, तो धुप्प तक नहीं निकली सुबह नहीं, लेकिन मौसम चेक करो बारिश ने फिर इमकान बारिश आ सकनी है। तो बाकी उन्हें तैयार होने हैं, तो जुम्मा बनने वास्ते चलने हैं, तो बाकी अगर चलेगा तो बाकी चक्कर आने सी। हाँ जी व्यूअर्स, फाइनली ऐसा हो गया रेडी, तो हुण चलने हैं जुम्मा पढ़ने वास्ते, तो उस तो बाद गपशप होनी है क्योंकि टाइम बड़ा शार्ट है, तो चलने हैं मस्जिद की जुम्मा वगैरह पढ़ने, तो उस बाद सुना गपशप होनी है। फाइनली जुम्मा वगैरह हो गया,
ते बाकी रश ओला हो गया हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, फाइनली जुम्मा वगैरह पड़िया तो हूँ असं जा रहे हैं घर आई साइड, घर आई साइड जाने घर ने नज़दीक आ गए हैं बिल्कुल। ठीक है, बारिश भी शुरू हो गई है, जुम्मे रोज़ा सी, पिछले जुम्मे की भी बारिश सी, इस जुम्मे की भी बारिश है। ठीक है, तो ठंडा ठंडा रोज़ा है, तो बाकी हूँ घर चलने हैं, तो क्योंकि जो बारिश तेज़ होगी तो फिर बाहर तो नहीं निकलना होना, लेकिन है कि बारिश तक नहीं सो गई, बारिश आ गई है, कपड़े वगैरह गिले हो गए थोड़े थोड़े, तो बाकी हूँ घर चलने हैं, तो उस तो बाद बाकी तुम्हें अगला भी चक्कर आने। हाँ जी व्यूअर्स, फाइनली घर आए हैं, तो कपड़े वगैरह चेंज किए, तो हूँ अस आ गए अपने बकरियां ते मंझियां दा जिहड़ा साडा कमरा वै, जिसकी असं अपनी जबानी च मंडा भी आखने हैं। ठीक है, क्योंकि तुसां गी अज कुछ खास चीज़ां दसने आ कि असां ने घर त्रै बकरियां ते त्रै लेले दित्ते छोटे छोटे, ते असां ने मुर्गियां ते उन्हां त्रै बच्चे कड्ढे। इस साइड पर इमाम है, ये भी नाल आ गई, तो इस साइड पर तकने पर सो कि एक मुर्गी असां नी इत्थै इस भी बच्चे कड्ढे, ते जे अगर तकने सो के बिन्ना गई, बाकी अगर इस साइड पर चलां तो तकने सो छोटे छोटे लेले। ठीक है, इस साइड पर छोटे छोटे लेले तकने पर सो, ये त्रै बकरियां जो लेले दिते, एक साथ दो दिते ते दोवां एक एक दिता, तकने सो छोटे छोटे लेले, ते बाकी अगर मुर्गी ने बच्चे तकने सो, एक मुर्गी इस साइड है, एक उस साइड पर है, इन्हें सबां बच्चे कड्ढे। मुनीब कितने कितने बच्चे कड्ढे ने? एक सौ नौ, एक पता नहीं कितने इसने कड्ढे, कितने कितने कड्ढे ने बच्चे? एक सौ छे, एक सौ नौ, एक सौ तकने सो, इस साइड पर इसने एक लेला। ठीक है, उस साइड पर मुर्गी दसनी है जिसने नौ बच्चे कड्ढे, ऐसा करने सो, इस नौ बच्चे कड्ढे, एक सौ छे कड्ढे, एक सौ पता नहीं ग्यारह कड्ढे, ऐ सो इस बकरी ने लेला वाइट कलर बिच आई, अपनी माऊ ने ना लेना। ठीक है, बाकी महम क्या कर रही हो, क्या किधर है कोको, कोको किधर है, किधर है कोको, हैं कोको, कोको अंदर है, हैं जो ब्लाउस ब्लाउस घर लेने विजिट करा रहे हैं, तो जी मुर्गी अंदर है उसने बच्चे से दाखिल, इसने छे बच्चे। ठीक है, इसे भी तकने उसको, ये तो बिन्ने वास्ते आनी है, तो बाकी एक वाइट कलर बिच है छोटा मीनू, तो एक रेड डब्बा वो है, तकने सो गठे ए इसने दो, ए तकने सो ये कितने प्यारे लगने पे, ये दो एक ने। ठीक है, तो एक वाइट है, एक अलग अलग, मतलब त्रै बकरियां त्रियां ले ले दिते छोटे छोटे। ठीक है, तो इस साइड पर तकने सो, बाकी मुर्गियां त्रै न, उन्होंने त्रै बच्चे कड्ढे, अल्लाह ने रहमत के असने घर बकरियां भी तो कुकर भी इक्के बारी उन्होंने बच्चे दिते, तकने सो माशाला कितने प्यारे लगने पे, तो इस साइड पर भी एक, उस साइड पर वाइट जो तो अंग्रे करना पाया खेना पे, तो बाकी इन्हें तक मखम बड़ी खुश होनी है, दिहाड़ी इधर मखम रहनी है, मखम चले देखे मखम पिछा तकनी भी है, क्या किधर है कोको, किधर है बिड़ जासी, आ जाओ वापस, वापस आओ, क्या इधर जी, चलो सो विजिट किया उसी, मैं कितने प्यारे लगने पे, हेलो फिर तकने सो मुर्गियां ने बच्चे कट्ठे हो गए, दोवें मुर्गियां ने बच्चे इतने कट्ठे हो गए, तो दुई बीमार नहीं होने नहीं, तकने सो नंगी मुंडी का बच्चा एक इतना प्यारा लगा दिया। हाँ जी फिर तुसें गी मुर्गियां ने बच्चे भी दसे, तो नाल जेहड़े बकरियां वगैरह ने छोटे छोटे लेले सन वो भी तुसें दसे, तो हून हफ्ता ही टाइम नज़दीक आना पे, तो कोई पकौड़े वगैरह घर करने भी सर, तो मैं चलो चूल्हा तक, तो बाकी इस साइड पर तकने दसो कि चूल्हा वगैरह रखे आ कढ़ाई, तो हूँ इतने पकौड़े वगैरह कटसा, तो उस तो बाद ताई ने समान तैयार करना था, किसी दसने का पकौड़े करने के गर्म हो गया काफ़ी, तो फिर बाकी फ्रूट वगैरह की कटिंग करनी है, पकौड़े वगैरह तैयार होने पे, चक्कर ने सो एक पूर कढ़िया, ते बाकी इधर मसाला वगैरह बनाया, तो यह तुकने सो असा जदीद चूल्हा चक्कर ने सो बिजली वाला, बाकी पकौड़े तैयार होने पे, फिर उसके बाद असा जरा फ्रूट वगैरह रेडी कर सकता,
पकौड़े करने भी औखे न सौखे नहीं करने। खुशबू तो बड़ी मज़े नहीं आ रही है। पकौड़े बगैरा तकरीबन तैयार हो गए सारे, तो हूँ असं कोई घर ने समोसे बगैरा बनाए सन, उस दसने तकने सो तो समोसे तलने पे। हाँ एक घर आपू तैयार किए समोसे अच्छ, ठीक है कढ़ाई छोटी है समोसे त्रै त्रै सट्टे तकने सो, एक घर ने समोसे असं आपू तैयार किए, ते बाकी पकौड़े तो तकने सो रेडी हो गए। बाकी हूँ यह अंडे पे तो फिर फ्रूट बगैरा कट्टने। हाँ जी व्यूअर्स, फाइनली फ्रूट बगैरा कट छुड़िया, तो इधर तकने सो पकौड़े तो समोसे वगैरह भी रेडी न, ठीक है इधर भी तकना फ्रूट कट छुड़िया, तो बाकी हूँ इफ्तारी होनी है। तो फिर फ्रूट वगैरह कटिंग हो गया, तो हूँ अस आ गए छत पर, इफ्तारी की रह गए 10 मिनट, तो मैं क्यों ना जितने रोजाना टाइम होना इसने छत पर चल गया थोड़ी जी गपशप हो जाए ना व्लॉग ने इतने एंड कर सा, क्योंकि फिर इफ्तारी तो बाद अंधेरा हो जाना है, तो फिर व्लॉग ने एंड नहीं होना सही कर गया। तो बाकी पकौड़े वगैरह भी अज कटे, तो फ्रूट वगैरह तैयार कराया, सब कुछ कम खत्म कर गया, रेडी कर गया, तो आ गया छत पर। मैं तुम नाले अपने इर्द गिर्द ना व्यू थोड़ा जहाँ इंजॉय कराँ। माशाल्लाह तकने सो कि खूबसूरत सिनेरी खूबसूरत व्यू तुम नज़र आना पे इसी पिछे। तो बाकी इस टाइम छत पर आया, छोटी छोटी कनियाँ शुरू हो गई, सुबह ना सिलसिला इस तरह है, कनियाँ जानियां आनियाँ फिर शुरू हो जाएँ फिर रुक जानियां, ठीक है। तो अज ना रोज़ा भी बड़ा ठंडा ठंडा सी, अज ना क्या तकरीबन सारे जितने रोजे गुजरे सारे ठंडे ठंडे गुजरे, बारिशा होनी रही, ठीक है ठंडे ठंडे रोजे रहे, तो नैक्सट भी इंशाल्लाह इस तरह गुजरन, तो उम्मीद करने तुम्हें सारे रोजे इस तरह अच्छे गुजरने भी उसन। तो बाकी दुआ में असं याद रखा करो, तो असं भी तुम्हें दुआ में हमेशा याद रखने कि अल्लाह तुम सलामत रखन, क्योंकि तुसा व्यूअर्स नहीं वजह तो ही असं वीडियो वगैरह बनाने तुसा वास्ते ही असं इतनी मेहनत करने, तो तुसा नहीं सपोर्ट नहीं जरूरत है, तुसा असानी वीडियो भी अगर शेयर करा करो, तो अच्छी राय ना इजहार करा करो, कमेंट करा जरूर दसा करो। तो बाकी चैनल की जो नवे भैन भरा आए चैनल की सब्सक्राइब कर, क्योंकि जितनी भी नवी वीडियो आनी वो सब तो पहले तक पूजा करन, तो हूँ असं इजाजत दो, नेक्स्ट मिलसा इस तुकी अच्छी वीडियो नाल, अल्लाह सुनने वाला है।